हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका सायारसी और आज हम बनाएंगे मसाले छोले। तो इसके लिए मैंने ये छोले को रात में भिगो दिया था और ये देखो बहुत अच्छी तरह से फूल भी गए हैं। तो इसको कुकर में डाल दूंगी, साथ में मैं पानी इतना डाल रही हूँ कि छोले के ऊपर करीब 1 से 1.5 इंच तक पानी रहे। और ये थोड़ा सा मैंने, छोटी चम्मच है ये मेरी, मैंने खाने वाला सोडा डाल दिया है, बेकिंग सोडा और नमक। और ये मैं 2 चाय की पत्ती के पाउच डाल रही हूँ, इससे क्या होगा कलर बहुत अच्छा सा आएगा। तो हम इसे बॉईल कर लेते हैं। ये मैं 6 से 7 सीटी इसमें हो गई हैं, तो अब एक बार ही खोल के चेक कर लेते हैं। ये टी पैक को हम अलग कर देंगे और ये छोले हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। तो अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं छोलों के लिए। इसमें मैंने एक बड़ी करछी तेल डाल दिया है और इसमें तेज पत्ते और 1 से 1.5 चम्मच जीरा, काली मिर्च और ये एक बड़ी प्याज है जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे और ये 3 से 4 टमाटर हैं और इसमें हरी मिर्च और छोटा अदरक का टुकड़ा भी है, तो इन सबको भी मैंने चॉप कर लिया है बहुत छोटे छोटे पीस में। इसको भी आप सेम चाहे तो पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने पीसा नहीं है इसलिए ये सबको मैंने चॉप करके यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। ये धनिया पाउडर मिक्स कर रही हूँ मैं, ये गरम मसाला है 1 छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने जब टमाटो पेस्ट बनाया था ना, उसमें 3 से 4 मैंने हरी मिर्च उसके साथ चॉप कर ली थी, तो मिर्च हम पेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे अपने। और ये सारे मसाले को बहुत अच्छे से भून दिया है। और ये मैं कर रही हूँ इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये हमारा मसाला अच्छे से भून गया है तो मैं इसमें छोले ऐड कर दूंगी। ये देखो हमने टी बैग यूज़ किए थे ना, तो कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। और ये आगे जब बॉयल हो जाएगा ना, पूरा अच्छे से कुक होगा, तो ये कलर बिल्कुल वैसा आएगा जैसे बाजार में होता है ना। और इसको मैं थोड़े से इसको वेजिटेबल मिक्सर से इसको थोड़ा सा मिक्स, थोड़ा सा अच्छा सा इसको पीस दूंगी, तो ग्रेवी क्या होगी थोड़ी इसकी अच्छे से थिक हो जाएगी। देखिए अच्छे से हमारे छोले हो गए हैं, बॉयल भी हो गए, कुक हो गए हैं। इसमें थोड़ी मैंने लंबी काट के हरी मिर्च ऐड कर दी है। तो हमारे ये पंजाबी छोले बनके तैयार हैं। आपको कैसे लगे? अगर अच्छी लगी है आज की रेसिपी तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और आप कमेंट्स में भी मुझे बताना कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू।